Hey everyone, welcome back to Reshmi's Kitchen Mantra. Hope you all well. As we all know, upcoming 28th of March, the world will celebrate the festival of colors, Holi. So on this occasion of colors, Reshmi's Kitchen Mantra will share the most demanding and mouth-watering recipe, that is gujiya. विदाउट एनी मोल्ड आप कैसे घर पे ही गुजिया को एक परफेक्ट शेप दे सकते हैं आज की वीडियो में मैं वही बताऊंगी तो वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखिए और अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए आगे आने वाली रेसिपीज को देखने के लिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द रेसिपी गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना है गुजिया के लिए स्टफिंग तो उसके लिए मैं फ्राइंग पैन में ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून डेसिकेटेड कोकोनट गैस की फ्लेम को मैंने एकदम लो पे रखा है अब यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादा को हमें सेकना है आप यहाँ पे सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप सूजी यूज़ करते हैं तो उसे घी में थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा अब लो फ्लेम में मैं इसे थोड़ी देर के लिए सेकूंगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में अब उसी सेम फ्राइंग पैन में मैं सेक लूँगी मावा यानी कि खोया को मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है मावा अब इसे अच्छे से हमें सेकना है तो इसे भी मैं लो फ्लेम में ही सेकूँगी थोड़ा सा गर्म होने के बाद ही मावा यहाँ पे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो देखिए अब इससे थोड़ा सा घी भी रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ है जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा वैसे वैसे इससे घी भी रिलीज़ होगा नारियल मावा या सूजी आप जो भी स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे अगर उसे आप थोड़ा सा ऐसे सेक लेंगे तो इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया है तो अब मैं इसे निकाल लूँगी अब जब तक स्टफिंग ठंडा होगा तब तक यहाँ पे डो रेडी करना है तो उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1.5 कप मैदा यहाँ पे हमें मैदा ही इस्तेमाल करना है तो अब इसे मोन लगाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून घी यहाँ पे कोशिश कीजिए घी ही इस्तेमाल करने की अब इसे हम थोड़ा सा रब करेंगे लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा तो थोड़ा सा ऐसे रब कर लूँगी अब इस मैदे से डो बनाने के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी दूध तो मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है दूध यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लेना है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दूध यूज़ करूँगी और थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी आप यहाँ पे पूरे पानी से भी इस डो को बना सकते हैं लेकिन दूध यूज़ करके बनाने से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रंची बनता है तो थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने डो रेडी कर लिया है अब इसे सेट होने के लिए मैं रख दूंगी तो कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए जब तक डो सेट होगा तब तक यहाँ पे स्टफिंग को कम्प्लीटली रेडी करना है तो देखिए यहाँ पे मावा एकदम ठंडा हो चुका है और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी जो डेसिकेटेड कोकोनट को हमने सेका था उसको इसका भी कलर चेंज होके इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हुआ है अब यहाँ पे हमें ऐड करना है शक्कर बुरादा यानी कि पाउडर शुगर यहाँ पे ध्यान रखिए पाउडर शुगर ही हमें ऐड करना है तो मैं 3 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चॉप किया हुआ पिस्ता थोड़ा सा मैं आमंड यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ थोड़ा सा काजू आप यहाँ पे आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और उसके साथ मैं थोड़ा सा नटमेग यानी कि जायफल को इसमें ग्रेट करके ऐड कर दूँगी अब अच्छे से हाथ से मैं सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके स्टफिंग को रेडी कर लूँगी तो यहाँ पे स्टफिंग एकदम रेडी है और यहाँ पे डो भी अच्छे से सेट हो चुका है तो अब देखिए यहाँ पे डो कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है अब डो को हमें बेलना है तो उसके पहले मैं इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर रही हूँ एक को हम अभी बेलेंगे और बाकी को हम कवर करके रख देंगे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा अब मैं हाथ से थोड़ा सा रोल करके इसे थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी यहाँ पे हमें एकदम गोल शेप बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हमें बाद में काटना है तो थोड़ा सा मैं राउंड शेप देने की कोशिश करूँगी लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा राउंड ये नहीं बना था यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करीब समोसा के लिए जैसे हम बेलते हैं उतना ही मोटा या पतला हम इसे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है जैसे तैसे आटा टेढ़ा करके अब मेरे पास राउंड शेप का कटर नहीं था तो इसीलिए मैं इस ढक्कन से इसे कट करूँगी तो मैं इसमें जितना राउंड शेप बन जाएगा उतना ही मैं पीसेस इसमें निकाल लूँगी
अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसे हमें निकालना है, लेकिन इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बाद में इसे हम फिर से बेल लेंगे। अब गुजिया बनाने के लिए इसमें हम स्टफिंग डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे बहुत छोटा बनाया है तो थोड़ा सा ही हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। अब स्टफिंग डालने के बाद इसके साइड से मैं थोड़ा सा पानी लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से सील हो जाए, नहीं तो तेल में डालने के बाद इसका मुंह खोलने का चांस रह जाता है। अब बहुत हल्के हाथों से मैं इसे ऐसे फोल्ड करके रैप कर दूंगी और इसे हल्के हाथों थोड़ा सा मैं प्रेस कर दूंगी और बीच में से थोड़ा सा दबा दूंगी ताकि इसका शेप अच्छा बने। अच्छे से सील करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे, नहीं तो गुजिया बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने जैसे बताया कि बिना मोल्ड के आप बना सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे एक फोक से कैसे इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। थोड़ा सा प्रेस करने से ही यहाँ पे ये डिज़ाइन बन जाता है, तो देखिए और ये बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो बिना मोल्ड के भी आप ऐसे ही घर में गुजिया बना सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा एक बना के दिखाती हूँ। पानी से इसे सील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो तेल में डालने के बाद इसका मुँह खुल जाता है। तो फिर से सेम प्रोसेस में ही मैं यहाँ पे इसके मुंह को थोड़ा सा प्रेस करके सील कर दूंगी और उसके बाद मैं फ्रॉक से इसमें डिज़ाइन बना दूंगी। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप इजीली मोल्ड से ही इसे बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने सेम प्रोसेस में ही यहाँ पे थोड़ा सा गुजिया को बना लिया है। तो चलिए अब इसे तल लेते हैं। तो डीप फ्राई करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल को हीट होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम धीरे धीरे इसको डालेंगे, तेल को एकदम बहुत ज़्यादा भी हीट नहीं करना है। गैस की फ्लेम को एकदम धीमी यानी कि लो पे रख के ही हम इस गुजिया को फ्राई करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होगा तो ये ऐसे ही तेल में ऊपर की तरफ आने लगेगा। तो यहाँ पे इसे फ्राई करने में करीब 5 मिनट मुझे लगा था लो फ्लेम में। तो देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। बचा हुआ जो डो था उससे भी मैंने सेम प्रोसेस में ही ऐसे गुजिया को बना के फ्राई कर लिया है और उसके बाद मैं इसे टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो इसमें रिलीज हो जाए। अब देखिए गुजिया यहाँ पे सर्व करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक कभी भी गुजिया ट्राई नहीं किया है तो आज की इस रेसिपी देख के एक बार आपके घर में ज़रूर ट्राई करें। होली स्पेशल और भी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी आप सब लोगों के साथ। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपको आज की गुजिया रेसिपी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और उसके साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी फिर कोई नए रेसिपी के साथ।